नाजरीन आप सभी का खैर मकदम है, मैं हूँ हया जावेद कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से। आज हम बात करेंगे खस्ता हाल रोडों के बारे में। अस नाव फारूक अहमद भट बस रोजान चालूरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम तहसील से सोलन अस डालपुर सिरसिया रोड सह खस्त गुमत तथा इरा वालों पत्मो दो वो पे लाजम पाइप समन सड़क तिमन सूर न सू रोड कहें तथा अक दोप गाड़ी ओर योर ग पकान अड़ मज इसलिए आज से मेहरबानी करा शीर तीन सौ सड़क इत कमो पाइप तम सा त्राए सड़क ओस अर यमो ना शीर पत कमो त्रो पत्म लट स फेखा सो पे नवंबर मज सह वो तथा बी तन पे कहें तो ख्याल दिवान प्रेत कुन क्या वनान हर हर जात पे सड़क तम आई शेरें यह मेन रोड इस डालपुर सिरसिया रोड यह बिल्कुल खस्त तो अगर तौर खस मौक त तुम वनो यम वन कस्म क्या खुदा दिन अस दुश्मनी वन इंसाफ कर तो अस सन ये सड़कों की हालत क्या है। 21वीं सदी में ये कहना पड़ता है कि जो मैग्नमाइज सड़क के काम कर रहे हैं उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट पीएचई आ रहा है, वो खुद सड़क का वो रिपेयरिंग कर रहे हैं, फिर ना पता ही चलता है कि हमें क्या करना है। अला हुकाम टस से मस नहीं हो रही है, खाली इस वक्त ज़ोर शोर से दावे हो रहे हैं कि हम सड़क पर काम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। रोड डैमेज हो चुके हैं, गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे हम अभी ईश्वर में हैं जो निशात से कुछ 300 मीटर की दूरी पे, ये 1.5-2 किलोमीटर का जो रोड है पूरी तरह से डैमेज हो है। अगर यहाँ पे रात को कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो वो कैसे किस तरह हॉस्पिटल पहुँचेगा। अगर यहाँ पर आग भी लग जाएगी, जब तक फायर सर्विस की गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी तब तक वो पूरा का पूरा जल चुका होगा। इसको देखते हुए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इसकी तरफ ध्यान दे। हम चीफ इंजीनियर से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आया क्या वजूहत है कि अंदरूनी रोड्स, बाहर के रोड्स, सारे के सारे रोड्स मैग्नमाइज नहीं किए गए हैं, बल्कि कुछ रोड्स जो मेन रोड्स हैं उनको मैग्नमाइज किया गया है, लेकिन जितने भी रोड्स अभी बाकी करने बाकी है क्या वजूहत है, इतनी ताखिर क्यों हो रही है, ये हम सारा चीफ इंजीनियर से पूछेंगे। देखिए जी, हमारा जो प्लान था इस बार का जो गवर्नमेंट से जिसकी अप्रूवल भी आई है, पहले हमारा फोकस है जो मेन रोड्स हैं, तो मेन रोड्स को मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो मेन रोड्स पर ही चलता है। हॉस्पिटल जो जाती हैं रोड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो रोड्स कैटर करती हैं, तो हमारा फोकस इमिजिएटली जो था आफ्टर दिस कोविड का लॉकडाउन उठने के बाद था कि रेस्टोरेशन ऑफ दोज रोड्स विच आर मेन रोड जिस पर मैक्सिमम ट्रैफिक चलता है, तो हमने वो प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दी है। और आप भी देख रहे होंगे जो मेन रोड्स हैं तो काफ़ी उनकी हालत बेटर हो गई है देन व्हाट दे वर आफ्टर जो विंटर का सीज़न जिससे उनकी ख़राबी हो गई थी या कहीं पे और कोई मसले थे, तो हमने वी आर टेकिंग मेन रोड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कहीं कहीं पर जो इंटरनल रोड्स भी हैं, जो इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं इंटरनल रोड्स, वो भी हम कर रहे हैं। जैसे आप अगर डाउनटाउन में जाएंगे या परसों में गया था इधर सोवरा साइड में, वहाँ पर भी हम कर रहे हैं। अब इन वन गो सारी रोड्स इंटरनल लिंक्स और बाकी रोड्स करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास अगरचि प्लांट्स करीब 80 प्लांट्स ऑपरेशन हैं, लेकिन ऑपरेशनल हमारे पास कोई 25 या 30 प्लांट्स टोटल है। तो इन वन गो तो सब काम नहीं हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह वेदर परमिटिंग और जो ये अनफॉर्चुनेट ये चल रहा है कोविड का मसला,
तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रेस्टोर मैक्सिमम पॉसिबल रोड्स। डलगेट एरिया से, डलगेट से आप जब अप टू नेहरू पार्क 1 किलोमीटर बचा हुआ है, उसका टेंडर हमने लगा दिया है और वेरी शॉर्टली उसका काम भी शुरू हो जाएगा। बाकी राइट अप टू निशात जो जंक्शन है वहाँ तक कंप्लीट मैग्नमाइजेशन हो गई है और आगे भी वहाँ शालीमार साइड में भी कंप्लीट हो रही है। ये हमने जो इस टाइम किया है कि जो हमारे मटेरियल पड़ रहा है इस पर रोड्स पे, उसकी 2 जगह पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक तो प्लांट पर भी टेस्टिंग हो रही है और साइट पर भी टेस्टिंग हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी रोड जो भी मटेरियल पड़ता है दैट शुड बी अप टू द मार्क स्टैंडर्ड जो है उसके अपने जो कोड्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% उसी हिसाब से डाला जाए। अब कहीं कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, कोई रीज़न है जैसे कहीं पे एडवोकेट ड्रेनेज का हमारा फैसिलिटी जो है वो नहीं है, कहीं पे हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल हो जाता है सड़कों पर डाल देते हैं जो जो लोकेलिटी वाले होते हैं उनके उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, अंदर जगह नहीं होती है तो वो सड़क पर जाते हैं वहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाती है, तो उनको भी हम हमारा जो फील्ड स्टाफ है कंटिन्यूसली एडवाइस कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अदरवाइज़ हमारी कोशिश रहती है जो प्रॉपर मटेरियल है प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशंस है दे हैव टू बी एडहर्ड टू। ये जो है सपोज मैं करंट ईयर की बात करूँगा, करंट ईयर में गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाया है कि जितना हम इसकी ऑथराइजेशन मिली है उतना काम हम करेंगे। सपोज़ इस बार मुझे लगभग कश्मीर वैली में अराउंड 700 किलोमीटर प्लस की ऑथराइजेशन मिली, उसका पैसा 50% गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिलीज़ किया और जो हमने रेस्पेक्टिव डिविजन्स में दे दिया है ऑलरेडी। तो इस साल का कोई पैसे का कोई मसला नहीं है, ऑल मनी हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर, ऑल वर्क्स जो है उनका ए अकॉर्ड होता है, उनका टेक्निकल सेंक्शन होता है और कोई काम इन फॉर्मेलिटीज़ और जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम वो काम नहीं करेंगे जब तक उसका सब चीज़ें ये बराबर होंगी। तो उसकी वजह से आपको इस एटलीस्ट इस साल का जो है सिस्टम जो है दैट इज़ इन प्लेस, कोई कंट्रैक्टर विल नॉट बी जिसके पैसे नहीं मिलेंगे इस साल के काम के लिए। पिछला थोड़ा बहुत जो लाइबिलिटी है वो भी सरकार नज़रसानी कर रही है उस पर भी, और कुछ हमें जो इंडिकेशन मिले कुछ उसमें भी रिलीफ आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से।